संशोधन विधेयक जिनको अब राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है और ये अब दरअसल यहाँ पर विधानसभा के भीतर इसके बारे में जानकारी साझा की जा रही है। लेकिन इसी बीच आपको ये भी बता दें कि आज विधानसभा का सत्र में हंगामा भी देखने को मिला, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया गया। हमारे साथ इस समय राव शफात अली ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। शफात, विधानसभा का सत्र चल रहा है, दूसरा दिन आज है, किस तरह से सदन की कार्यवाही आज दूसरे दिन की चल रही है, क्या जानकारी, क्या कुछ मुद्दे हैं जो भीतर उठाए गए हैं? हाँ अवंतिका, आज देखिए बड़ा खास दिन है और दूसरा दिन है आज बजट सत्र का। लेकिन जैसा पहले दिन हंगामा रहा ऐसा कि हालांकि जो कल की अगर बात करते हैं पहले दिन की, तो राज्यपाल का अभिभाषण था, अभिभाषण को लेकर के ही प्रतिक्रियाएं थी। विपक्षियों ने इस अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताया था, यानी पहला दिन भी हंगामेदार था। और उससे पहले जो विधानसभा भवन है उसके ठीक बाहर की तरफ धरना प्रदर्शन पर बैठे थे जो विधायक हैं कांग्रेस के। लेकिन आज का जो दूसरा दिन है, आज उम्मीद थी कि दूसरा दिन कम से कम ठीक चलेगा, लेकिन सदन के अंदर भी हंगामा है, सदन के बाहर भी हंगामा है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर विपक्ष राज्य सरकार से सवाल करना चाहती है। कल ही की बात करें तो बड़ा एक धरना प्रदर्शन था, घेराव था, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद थे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण महरा उनकी अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया गया था। लेकिन सड़क से लेकर सदन तक मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाहर जो कार्यकर्ता है वो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, राज्य सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, और सदन के भीतर जो विधायक हैं वो राज्य सरकार से सवाल पूछ रहे हैं जी। और थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी इस बार सदन में देखी गई, क्योंकि राज्यपाल ने जब अपना अभिभाषण दिया तो संवैधानिक तौर पर जो संविधान के जानकार है वो ये मानते हैं कि उसके बाद राज्यपाल को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन राज्यपाल ने अपना अभिभाषण देने के बाद जब वो बाहर निकले, जब स्थगित हो गई थी सदन की कार्यवाही, उसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। और राज्य सरकार की, क्योंकि देखिए अभिभाषण जो होता है वो राज्य सरकार की एक तस्वीर होती है, राज्य सरकार का एक खाका होता है, राज्य सरकार क्या काम कर रही है और क्या काम करने वाली है विकास के, ये तमाम जानकारियां उसमें होती है। तो उसको उन्होंने विस्तृत तरीके से बताया, उसकी तारीफ की। इसको लेकर के विपक्ष ने आपत्ति की कि राज्यपाल को इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी और जल्द से जल्द उनको हटाया जाना चाहिए, ये मांग थी। आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी जब विपक्ष के नेता इकट्ठा हुए, जो विधायक हैं वो इकट्ठा हुए, तो सबसे बड़ी जो मांग थी वो भ्रष्टाचार को लेकर के थी, गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर के थी, और कुछ जो मुद्दे हैं अंकिता हत्याकांड से जुड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, उनकी सीबीआई जांच को लेकर के ये मांग थी। तो लगता है कि 18 क्योंकि तक ये चलना है, बजट का सत्र चलना है, और इसी के दौरान जो भी दिन रहेंगे वो हंगामेदार रहने वाले। भ्रष्टाचार का जो मुद्दा उठाया गया है शफात, भ्रष्टाचार के कौन से मुद्दे उठाए जा रहे हैं इस समय, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है वो चर्चा की मांग कर रहा है? क्योंकि अंकिता हत्याकांड का मुद्दा है जिसको उठाए जाने की बात कही जा रही थी पहले से, इसके अलावा गन्ना किसानों का मुद्दा है, लेकिन भ्रष्टाचार के कौन से ऐसे बड़े मसले हैं जिनके ऊपर विपक्ष जो है वो इन मुद्दों को उठा रहा है? देखिए विपक्ष की मांग थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि यूके SSSS में जब देखा कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, 45 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, जो युवा हैं उनको ठेस पहुंची, जो नौकरी पाना चाहते हैं उनको ठेस पहुंची, तो इसको लेकर के जो विपक्ष है और जो युवा हैं वो चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। लेकिन क्योंकि इस मामले में एसटीएफ जांच कर रही थी, बहुत सारे लोगों की इसमें गिरफ्तारियां हुई जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, तो अब ये मुद्दा अटका है सीबीआई जांच को लेकर के। राज्य सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि एसटीएफ अपनी जांच कर रही है और जो इसमें दोषी थे उनको बख्शा नहीं गया है, सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आज एक अध्यादेश जो पटल पर पेश हुआ वो है नकल विरोधी अध्यादेश, जिसका इंतजार किया जा रहा था, विशेष अधिकार पालन करते हुए उसको था कि अगर कोई नकल करता या कराता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें बहुत बड़े प्रावधान रखे गए हैं, अगर कोई नकल कराता हुआ पकड़ा जाता है, कोई सिंडिकेट पकड़ा जाता है, सजाना पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, उम्र कैद तक हो सकती है और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का इसमें प्रावधान रखा गया है। तो इतना जरूर है कि इस अध्यादेश से अब उत्तराखंड के अंदर जो भर्ती घोटाले हैं, जो उसमें भ्रष्टाचार हुआ करता था, वो अब नहीं होगा, क्योंकि इतना सख्त कानून है कि कोई भी भ्रष्टाचारी ये करने से पहले सोचेगा। और क्योंकि उम्र कैद की इसमें सजा है, इसके साथ ही 10 का जुर्माना, लेकिन जो नकल करता हुआ पकड़ा जाएगा यानी जो अभ्यर्थी होगा उसके लिए भी इसमें सजा का प्रावधान रखा गया, उसको बाद कर दिया जाएगा, जो परीक्षा है उसमें बैठने नहीं दिया जाएगा, पहले अगर वो पकड़ा जाता तो 3 वर्ष इसमें सीमा रखी गई है, उसके बाद इसको सीमा को बढ़ा दिया जाएगा अगर दूसरी बार भी इसकी भ्रष्टाचार में लिप्त होता है। तो अलग अलग तरीके से इस कानून को बनाया गया, लेकिन बहुत सख्त कानून है, इसका होना बहुत जरूरी था। उत्तराखंड में युवा भी इंतजार कर रहे थे कि कुछ ऐसा कानून हो कि भर्ती घोटाले कम से कम उत्तराखंड में ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया राव शफात अली तमाम जानकारी के लिए।
में दिनांक 11/12/2022 को आरोप पत्र संख्या 369/2022 के व FIR नंबर 313/2022 में आदेश सिंह चौहान के विरुद्ध धारा 323, 504, 506 भादिवी में दिनांक 11/12/2022 को आरोप पत्र संख्या 370/2022 माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है तथा वर्तमान में ये दोनों अभियोग वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। 3. माननीय विधायक जसपुर द्वारा सुरक्षा हेतु तैनात गनर को हटाए जाने के संबंध है, जो इस संबंध में कनी 135 सपु प्रयाग चौधरी वर्ष 2017 से लगातार 6 वर्ष से माननीय विधायक श्री आदेश चौहान की सुरक्षा में नियुक्त रहे हैं तथा उक्त प्रकरण में उनकी भूमिका अत्यंत विवादित एवं संदेह के घेरे में आ गई।